कल एक टूर्नामेंट चल रहा था तो माफिया की टीम रूम के अंदर बैठी थी। तो माफिया की टीम के स्लॉट में गलती से एक रैंडम प्लेयर आ गया था। तो माफिया की टीम जैसे ही वो रैंडम प्लेयर को हटा रही थी वैसे ही मैच स्टार्ट हो गया। अब माफिया की टीम के प्लेयर का वो रैंडम प्लेयर को देख के क्या रिएक्शन था आप लोग खुद देखो, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को रिएक्शन देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोग देखो मत कर, तेरी मर्जी। अभी क्या कर रहे हैं? इस साइड आना। हाँ जोर से बोल दो, लाइव पे बोल दो। टेन से फोर की 3840 3345। अबे स्टार्ट कर दिया यार। क्या भाई, भाई तुमको बैग नहीं करा जा रहा भाई? क्या नंबर फोर को बैग करा नहीं जा रहा फौजी भाई? बाला भाई कब से वेट कर रहे थे, कब से? हेलो होम नंबर किसका है? उस टाइम कौन से स्टोर से कर रहे हो आप? क्योंकि ऑनलाइन हमारी तरफ नहीं थी फौजी भाई। हाँ आपका फैंस आया। नंबर है नंबर फोर। बाला भाई कहाँ है? वो आ रहा है, जैसे कोई स्टार्ट कर दे डंडा मारे, फिर स्टार्ट कर दिया तुरंत। नहीं पड़ेगी मेरे वेब पर, नहीं आ रहा फुजवे इसको। डाउन है, वेंडिंग वाला डाउन है। कोई वेंडिंग में जा सकते हो? आ जा, मैं हूँ, मेरे पास टोकन है। तो आओ ना भाई। ठीक है एक गोली काट रही थी, एक गोली मार वेंडिंग पे, एक गोली एक मार वेंडिंग पे। कैसे मारूं? वेजेटा ने वेंडिंग, इसको पीछे भेजो भाई। तुम रिवाइव देता हूं। हां 1100 टोकन है, उधर जाके रिवाइव देता हूं। ठीक है जाओ, कहीं कहीं छुप के रिवाइव देता हूं या कहीं पर दे, तुम रिवाइव देते हो, तुम जॉड हो जाओगे। फर्स्ट जोन बांध लेना। बोले ये तो तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड है। अरे वो सॉरी ना, आप लोग को फ्लॉड में आ गया, वो क्रेज रहता ना टीएम टीएम टीएम, वो थोड़ा सॉरी ना। अरे कोई ना कोई ना गाइस, 5 के ऊपर फेस कैम जल्दी 5 गाइस, 5 की नहीं हुआ ना तो लास्ट। अब आप लोग ने माफिया की टीम का प्लेयर का रिएक्शन देख लिया होगा, और मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी टूर्नामेंट कराता है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार देखना चाहिए टीम के चारों प्लेयर आए हैं या नहीं आए हैं, टीम के चारों प्लेयर एक टीम के हैं या नहीं है, कोई रैंडम प्लेयर तो नहीं घुसा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, गलती से कोई रैंडम प्लेयर घुस जाता है और जो भी टूर्नामेंट कराता है वो स्टार्ट कर देता है, तो इससे टीम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इसलिए जो भी टूर्नामेंट कराता है उसको एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में 2K लाइक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।